सारे के सारे लोग आ जाने के बाद पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं। बस दैट्स इट, इट्स रेडी। दैट्स माय हेल्पर जो देख रही है। दे आर अबाउट टू रीच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता'स किचन। हरिंदम्स चाइल्डहुड फ्रेंड इज इन द टाउन, सो वी इनवाइटेड हिम ओवर विद हिज वाइफ। उसी की ही तैयारी चल रही है, वो लोग कल आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बनाने वाली हूँ वेज सैंडविचेस, पनीर कटलेट एंड वेज हाका नूडल्स बनाऊंगी, और एक नॉन वेज आइटम होगा दैट इज चिकन कटलेट। अभी मैंने सोचा है कि जो कटलेट्स है वो मैं प्रिपेयर करके रख दूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी फ्राइंग देम, जस्ट यू नो कुक देम एंड शेप देम अप एंड कीप इट इन द फ्रिज। और जो सैंडविचेस है और नूडल्स है वो मैं कल बना लूंगी। तो अब तक का यही प्लान है। तो मैं सब कुछ तैयार कर लेती हूँ, जो चिकन है ये सब धोकर सारी चॉपिंग करके, फिर मैं आके आपको बताती हूँ सारी जो रेसिपीज है। तो चलिए कर लेते हैं। कर लिया है इन द किचन वॉट एवर यू नीड फॉर द कटलेट्स राइट नाउ। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, एंड देन आई स्टार्ट कुकिंग। हियर आई हैव सम चॉप्ड चिलीज, गार्लिक, अनियंस एंड कोरिएंडर, सम बॉइल्ड पोटैटोज, एंड देन आई हैव सम ग्रेटेड पनीर, और हियर आई हैव सम चिकन कीमा जिसको मैंने घर पे ही अभी कीमा किया है, बस चिकन ड्रेस था जो मैं लेकर आई थी। एंड दिस इज ऑल यू नीड। यू नीड जिंजर ऑल्सो जो कि है, और सीजनिंग के लिए सॉल्ट, पेपर, हल्दी, मतलब अकॉर्डिंगली जो भी मैं डालूंगी मैं बताते जाऊंगी। सबसे पहले चिकन कीमा रेडी कर रहे हैं हम। सो फॉर दैट वी नीड अनियन, उसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक, इसको सॉटे करना है, ज्यादा नहीं जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो। इसी में हम डाल देंगे जिंजर, हाफ टी स्पून जितना। तो अभी इसमें मैं पेपर डालूंगी। तो इस वाले रेसिपी में कटलेट में पेपर डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम डाल देंगे थोड़े से चिलीज, एंड देन आई एम गोइंग टू बी सीजनिंग इट विद सम सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर, हल्का सा मैं जीरा भी डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक अ पिंच ऑफ जीरा, लाइक वेरी लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला एज वेल। अनियंस को ब्राउन नहीं करना है आपने, वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर ऑफ अनियन इन द कटलेट, तो ब्राउन नहीं करे, बस ट्रांसलूसेंट हो, दैट्स इट। अभी मैंने चिकन डाल दिया है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा तोड़ तोड़ के दे, क्योंकि जब इसके चंक्स बन जाते हैं ना बड़े बड़े, क्योंकि जब हीट पे ये जाता है तो हमें बड़े बड़े चंक नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा इस तरह से तोड़ तोड़ के दे, ये 2-3 मिनट में ही कुक हो जाता है। देखिए अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया, वेरी इंपॉर्टेंट धनिया डाले। तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लूंगी। इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है आगे बढ़ाएंगे, तब तक मैं पनीर कटलेट्स जो है वो बना लेती हूँ, उसका जो बेस है। डाल दूंगी चिलीज, जैसे आपको एक बहुत अच्छी सी अरोमा मिले वैसे ही आप इसमें डाल दें अनियंस, मिर्ची, और थोड़ा सा मैं भाजा मसाला
मसाला डाल रही हूँ जो बंगाली खाजा मसाला आता है। हल्का सा मैं धनिया भी डालूंगी इसी में। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा रेड वाला डाला था, अब मैं थोड़ी ब्राउन वाला डालूंगी गरम मसाला। तो मैं हल्का सा इसमें बटर डालूंगी, लाइक दिस मच, थोड़ा सा। इसमें आप ये ग्रेटेड डाल दें पनीर। तो इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी एंड आई विल जस्ट गेट बैक टू माय चिकन कटलेट्स। ये जो है ये ठंडा हो चुका है, इसी में मैं आलू डाल दूंगी। सो ये हो गया है। तो अभी इसमें जो बाइंडिंग एजेंट होगा, आलू तो डल चुका है, फिर भी आई फील थोड़ा सा और ड्राइनेस चाहिए होगा। फॉर दैट विल ऐड सम ब्रेड क्रम्स। बेसिकली मैं सब कुछ इस तरह से बना लूंगी एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे कटलेट्स रेडी है। अब मैं इनको अच्छे से कोट और डस्ट करूंगी। चलिए इसके लिए थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं। यहाँ पे एक अंडा लिया है मैंने। नमक है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो दैट इज द रीजन आई डोंट थिंक आई नीड टू सीजन माय ब्रेड क्रम्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर वन हैंड इज फॉर द वेट एंड वन हैंड इज फॉर द ड्राई। सो यू टेक अ पैटी, आप इसमें डाले एंड देन यू टेक दिस वन और इसमें डाले। एक रेडी हो चुका है, डस्ट ऑफ एंड दिस इज रेडी। आई एम गोना बी पुटिंग इट हियर। इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी अभी एक एक करके एंड देन आई विल गेट बैक टू यू वंस इट्स डन। सो दिस इज रेडी। अब मैं पनीर कटलेट्स बनाऊंगी। इसमें मैं जो डालने वाली हूँ उसको हल्का सा मैं एलिवेट करने के लिए, दिस इज होममेड गरम मसाला, कार्डमम, सिनेमन और क्लोव, इलायची, दालचीनी और वो लौंग डाला हुआ है मैंने। ड्राई रोस्ट नहीं करना, बस ऐसे ही। सो इसमें मैं ये डालूंगी। ऑल्सो एडेड सम कैप्सिकम। अब मैं इसमें आलू डालूंगी दो। आपको जैसा शेप पसंद है आप वैसा दे सकते हैं। अगेन सारे के सारे ये बन चुके हैं कटलेट्स। मैंने टीयर ड्रॉप शेप दिया है। फिर एक स्लरी बनानी पड़ती है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, सम पीपल आर वेजिटेरियन बट देन एट द सेम टाइम दे ईट एग, तो उसके लिए आप एग यूज कर सकते हैं। इन माय केस आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ स्लरी, बी गोइंग टू बी टेकिंग लाइक 2 tablespoons ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर। ये मैदा है,
1 tablespoon of cornstarch. Now I'm going to be seasoning this with a pinch of salt and a little bit of pepper, very little. थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी मैं. ये स्लरी रेडी है. ये रेडी हो चुका है, एज यू कैन सी इट हियर. सो दिस इज डन राइट. इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी. सो आई एम डन. मेरा सारा काम खत्म हो गया है. किचन साफ कर दिया है. I will see you guys tomorrow. Hello, this is the second day. तो मैंने अभी सोचा कि नूडल्स बना दो फटाफट. सुबह मैं नूडल्स बॉइल करके गई थी. ये रहा नूडल्स जो कि मैं बॉइल करके गई थी. एंड नाउ आई विल बी मेकिंग द सॉस फॉर द नूडल्स. तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको फटाफट से कि क्या इसमें डालने वाला है. तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस. पहले दिस इज हाफ टी स्पून है तो इसीलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ. 1 लार्ज टेबल स्पून ऑफ स्वीट चिली सॉस. टेबल स्पून ऑफ विनेगर. फिर सम हीट सराचा. रेड चिली सॉस. तो ये सारी चीजें डल गई है. इसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला. फिर मैं डाल दूंगी सॉल्ट. सॉल्ट ज्यादा ना डाले. नूडल्स बॉईल करते वक्त भी मैंने सॉल्ट डाला था. सॉस में भी है सो वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ सॉल्ट. इसी में मैं डाल दूंगी हल्का सा चीनी टू बैलेंस एवरीथिंग. इसमें आप फ्रेशली क्रैक्ड पेपर डाले. दैट्स डन. ये सॉस मैंने रेडी कर लिया है. जो वेजीज मैंने काटे हैं इसमें है कैरेट्स, कैबेज, कैप्सिकम, चिलीज एंड अनियंस. और यहाँ पे है थोड़े से गार्लिक. सैंडविचेस बाकी है. मैं खाना वाना खा के आराम से फिर मैं सैंडविचेस बनाऊंगी. दैट आई विल शो यू. और लेट मी क्विकली गो अहेड एंड फिनिश माय लंच. आई एम एक्सट्रीमली 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 हंग्री. दैट्स माय हेल्थ वर्क तो देख रही. सो आई विल सी यू गाइस लेटर. For the cutlets, this is going to be in the sandwiches. Sandwiches मैं अभी बना के रख रही हूँ because वो ठंडा serve होगा. That is a cold club sandwich. तो इसीलिए अभी से बना के रख रही हूँ. This has nothing. आपने देखा ही है. Onion है,
क्यूकम्बर है, धनिया है, चिलीज है, थोड़ा सा फ्रेशली क्रैक्ड पेपर है, केचप है एंड मेयोनीज है। और ये वाले डिप में देयर इज केचप एंड मेयोनीज एंड थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड सॉस डाला है। सब कुछ रेडी हो चुका है, क्या नूडल्स भी बन गया है। सारे के सारे लोग आ जाने के बाद पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अभी सब कुछ दिखा दूं, तभी वो लोग आएंगे और मैं यहाँ पे बैठ के कैमरा ऑन करके ट्राई तो नहीं कर सकती। आई विल ट्राई माय बेस्ट बट आई कांट प्रॉमिस दे कमिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि यू नो बैठ के बातें करें, तो ये सब मैं चलिए फ्रीजर में रख देती हूँ, क्लीन एवरीथिंग अप, फिर शाम को मिलते हैं। मैं तैयार हो गई, अभी तक अरिंदम आया नहीं है। ही विल बी रीचिंग होम आई थिंक इन अबाउट 5-7 मिनट्स। अभी मैं सोच रही हूँ कि कटलेट अभी फ्राई करूँ कि क्या करूँ, आई एम नॉट श्योर। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, देर अबाउट टू रीच, तैयारी शुरू कर देती हूँ। लेट मी स्टार्ट फ्राइंग द कटलेट, तो मिलते हैं बाद में। हेलो, सो दे लेफ्ट, वो लोग 11:30 बजे निकले। इट वॉज अ ब्यूटिफुल इवनिंग, बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें की एंड आई कुडंट शूट, सॉरी बिकॉज इतने सारे मतलब ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे शूट करना। ये सैंडविचेस बच गए, यहाँ पे बच गया है नूडल्स, नूडल्स बहुत ज्यादा बच गए, और ये पनीर के कटलेट्स बच गए हैं। किसी ने ये सैलेड टच भी नहीं किया है और ये किचन में पूरा गंदा है, तो वो सब अभी मैं फ्रिज में रखूंगी और क्लीन द टेबल। आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। वी विल सी यू गाइस वेरी सून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Thank you so much for watching.